दर्शक बंधु साधारण कौन पोशाक पिंधि सारे आम सफा कर उपाय अवलंबन करनेक लोक पोशाक हाथ में सफा करनेक वाशिंग मेसीन व्यवहार करोशाक सफा करने डिटर्जेंट पाउडर किंवा लुगा सफा साबुन निहती आवश्यक होता है। यह बिना पोशाक सफा हो पार ना हाथ में हो मेसीन लुगा सफा करने डिटर्जेंट पाउडर व्यवहार करशेषकर वर्षा ऋतु में अधिक परिमाण सर्फ बा डिटर्जेंट पाउडर आवश्यकता पड़ता किंतु अनेक समय आपड़ देखि ड्रेस सफा करने बेले डिटर्जेंट पाउडर शेष हो जाए तेणु लुगा सफा करने संभव हो न था किंतु एथिपाई चिंता करिवार आवश्यकता नहीं। आपण जाने आश्चर्य हेबे बिना डिटर्जेंट पाउडर किंबा साबुन ने भी लुगा सफा करा जाय परिबो। बजार रे मिलुथबा कोनोसी लुगा सफा पाउडर व्यवहार न करी घरै उपाय रे आपण ड्रेस सफा करि परिबे। केवल सेति के नुहे कम खर्च रे आपणक ड्रेस गुरीक दाग मुक्त हेबा सहित एकदम नुवा भळे देखा जिवो। तेबे आमे आज एपरी किछि घरै उपाय विषय रे कहबाकू जाउछु जहाँ आपणाई आपण बिना डिटर्जेंट पाउडर साबुन व्यवहार में पोशाक को चमकई पारे एनोटी उपाय रही जहाँ आपणाई आपण खूब सहजरे लुगा सफा करें तेरे आसतु जाणवा सेगुड़ विषय तेरे पोशाक धोवापी धला भिनेगार एवं बेकिंग सोडार व्यवहार करे दुईटी को मिसाई व्यवहार करने द्वारा पोशाकर मईला संपूर्ण सफा हो पोशाकर गंध मध्य दूर हो तेबे आसंतु जानिबा एहाको किपरि आपण पोशाक सफा करिबा पई व्यवहार करिबे। तेबे एथिपई प्रथमे आधा कप बेकिंग सोडा नै सेथिरे आधा कप भिनेगर मिसांतु एहाको वाशिंग मेसिन ने सफ रखुतबा स्थानय रखि ड्रेस सफा करिपरिबे। जदि हातरे ड्रेस सफा करुछंती तेबे बाल्टी रे पकाई ताक सफा करिबे। अन्य उपाय रे बेकिंग सोडा एवं लेंबू रस मिसाई ड्रेस सफा करले मध्ये फायदा मिलिथाय। जदि घरे भिनेगर नहीं तेबे लेंबू रस को बेकिंग सोडा सहित मिसाई घर डिटर्जेंट प्रस्तुत करंतु। धला एवं रंगीन पोशाक सफा करने आपण एक मिश्रण को व्यवहार करें सर्वप्रथमे आधा कप बेकिंग सोडा नियंतु एथिरे प्राय आधा कप लेंबू रस मिसातु एहाको डिटर्जेंट भाव व्यवहार करंतु। देखिबे आपणक पोशाक रु पुरुणारु अति पुरुणा दाग एवं मईला सफा हो सेहिपरि डिटर्जेंट शेष हो जाइथिले किंबा भिनेगर कि बेकिंग सोडा नथिले शैम्पू किंबा बॉडी वॉश द्वारा आपण पोशाक सफा करिबे किंतु एहाको व्यवहार करिबा पूर्वरु मिश्रणर परिमाण उपरे ध्यान देबा उचित कारण अधिक परिमाणर शैम्पू व्यवहार द्वारा वाशिंग मशीन ने अधिक परिमाणर फेण होइथाय। ब्यूरो रिपोर्ट समय लाइफ।